चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो शॉपकीपर हैं, ये खुद ही आपको बताएंगे कि इनकी शॉप जो है किस शहर में है और किस जगह है। तो चलिए अपन इनसे बात करते हैं। कौन सी जगह है? रहीम नगर। रहीम कहाँ, किसके पास है? सरवोदय नगर पुल। और आसपास क्या है? क्या और आसपास क्या है? आसपास यही है, गंदैया चौराहा है। और जाएंगे निषादगंज से इंदिरा नगर पास है। अच्छा, और निषादगंज भी पास में ही है? निषादगंज दूर है, 2 किलोमीटर। अच्छा, तो तोड़ लें। अच्छा हाँ हाँ ठीक। ये देखो एक टूटा है इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दिए हार्ड क्यों होते हैं। देखिए, इनके यहाँ के दिए नॉन पॉलिश्ड हैं, इसमें जो है पॉलिश नहीं की गई है, कलर नहीं किया गया है। और ये देखिए, सॉफ्ट और स्मोकी भी लग रहे हैं, एक हाथ से टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी दिए जो हैं करई और कुल्हड़ की अपेक्षा जो है हार्ड होते हैं। देखिए, ये दिया सॉफ्ट है, टूट रहा है, लेकिन फिर भी कुल्हड़ और करई से ज़्यादा होल्ड हार्ड होता है। उसका कारण ये होता है कि दिए को ये डायरेक्ट आग में, बीच में जहाँ पे ये आग डालते हैं वहीं पे सारे दिए भर देते हैं। तो दियों को शुरू से लेके अंत तक आग में सिकते हैं, जबकि करई और कुल्हड़ जो होते हैं वो किनारे किनारे रखे होते हैं, मटके भी किनारे रखे रहते हैं, इसलिए उन तक आग जो है बाद में पहुँचती है। मतलब अगर दियों को 4 घंटे आग में सिकना पड़ता है, तो करई कुल्हड़ को 2 घंटे आग में सिकना पड़ता है, इस तरह होता है। इसी कारण जो है दिए जो है ज़्यादा हार्ड होते हैं और करई कुल्हड़ जो है कम हार्ड होते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो इनकी कढ़ाई है, इसमें भी इन्होंने पॉलिश नहीं किया हुआ है। और देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए एक हाथ से जो है मेरे ये टूट जाएगी। ये देखिए, कढ़ाई में मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही, कम ताकत लगानी पड़ रही है, जबकि दियों को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। एक तो दिए छोटे होते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि उनमें आग बहुत जल्दी धीरे, जबकि कढ़ाई में पहले बीच में आग लगती, फिर किनारे किनारे तक पहुँचते पहुँचते जो है थोड़ा आग का वो कम हो जाता है, इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। कुल्हड़ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन दिए जो है थोड़े से हार्ड होते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए, ये देखिए कितने स्मोकी से किसी कर रही है, जो मुझे दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। इनकी हर कढ़ाई जो है स्मोकी सी है, और स्मोकी होने का मतलब होता है सीधे सीधे कि इनमें आग जो है कम लगी है, धुएं वाली आग लगी है। ओके बाय।